जैन दोस्तों, थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के वैकेंसी के बारे में और आप सभी को बताने वाले हैं किस तरीके से आप यूपीएसआई ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आप उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बन सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी, पूरे सलेक्शन प्रोसीजर से लेकर इसके सिलेबस के बारे में और पूरी जानकारी आप सभी को इसके वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिटेल और वैकेंसी, तो आप सभी जानते हैं कि अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, वैकेंसी को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। यानी उम्मीद है कि मार्च में आपकी जो वैकेंसी होंगी लगभग 5000 पदों की संख्या होने वाली है, जो कि मार्च में आप सभी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो जारी कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या यूपीएसआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेल और फीमेल के लिए एज क्राइटेरिया मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए कैंडिडेट की, वो 21 से 28 साल होनी चाहिए। जिसकी 21 से 28 साल के बीच में उम्र है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना रहेगी, तो मैं आप सभी को बता दूं, ओबीसी एससी और एसटी तीनों को 5-5 साल की छूट दी जाती है। यानी मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट हो जाएगी वो 33 साल हो जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट भी 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पर एससी और एसटी कैंडिडेट भी 21 से 33 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेता हूं मैं आपकी पे स्केल के बारे में कि आपकी यहां पे स्केल क्या रहती है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, सब इंस्पेक्टर की वो सबसे पहली बात तो होती है एक बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही बड़ी जॉब होती है एक तरह से अगर मैं कहूं, क्योंकि काफ़ी वैल्यू होती है। आप सभी जानते हैं अगर स्टेट में आप सब इंस्पेक्टर हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप सब इंस्पेक्टर हैं। वहीं पे बात करें सब इंस्पेक्टर की सैलरी की, तो यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आप सभी को मिलती है जो कि 9300 से 34800 तक होती है, जिसका ग्रेड पे 4200 होता है। तो यानी काफ़ी अच्छी जॉब आप सभी की होने वाली है, क्योंकि 2 स्टार की जॉब होती है आप सभी जानते हैं, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। आगे बात कर लेते हैं कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यानी शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आप सभी को मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपके पास केवल जिस दिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएं उससे पहले पहले आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। यानी आपने किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपके पास साइंस रहा हो, चाहे कॉमर्स रहा हो या आर्ट रहा हो, केवल आपके पास एक स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एक स्नातक डिग्री है तो आप यूपीएसआई के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि सिविल पीएसी और प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए एनी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो यानी आपके पास कोई डिग्री हो या आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है, तो उसके समक्ष कोई भी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि आपका फिजिकल जो एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या करवाया जाता है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी रनिंग करवाई जाती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपकी रनिंग होती है वो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ये मैं आपको मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, फॉर मेल कैंडिडेट यानी 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ये केवल आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में आपको इसके अलावा और कोई भी इवेंट नहीं करना होता, सिंपल बस इतना ही फिजिकल आप सभी का होता है। आगे बात कर लेते हैं हाइट की, यानी आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जो पुरुष होंगे उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होगी, तो भी आपका चल जाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर महिलाओं की अगर बात की जाए, तो महिलाओं की जो लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से, तो आपकी लंबाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो देखिए ओनली फॉर मेल होगा, जो कि आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलावा आपके लिए कंपलसरी रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाएगी, यानी उनका जो सीना होना चाहिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन फुलाव उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का कंपलसरी रहेगा, यानी फुलाने के बाद उनका जो सीना होना चाहिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका क्या रहेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे 3 स्टेप में आपकी जो होती है भर्ती कंप्लीट करवाई जाती है। 3 स्टेज होती हैं पूरी भर्ती में, 3 स्टेज क्या होती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। 2015 से पहले इसके रूल बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस लाए गए और चेंजेस लाने के बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो फिलहाल ऐसा हो गया है।
पहले स्टेप में जो आपका करवाया जाएगा वो ऑनलाइन रिटन एग्जाम करवाया जाता है, जो कि 2017 से स्टार्ट हो गया। 2017 में ऑनलाइन एग्जाम करवाया गया था, सेम उसी प्रकार से आपका रिटन एग्जाम यहाँ पे करवाया जाएगा। लेकिन 2015 के बाद भी यहाँ पे कुछ बदलाव हुए हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। सेकेंड स्टेप फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी PET, जो कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, रनिंग और आपकी हाइट टेस्ट वगैरह। थर्ड स्टेप पे आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और आपका मेडिकल टेस्ट। यहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और आपका PMT करवाया जाएगा और आपका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। ये तीनों चीज़ें एक साथ में कंप्लीट हो जाती हैं और उसके बाद फाइनली जो बात आती है वो आती है आपकी मेरिट लिस्ट की। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो फाइनल लिस्ट आपकी होती है, नाउ फाइनल लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट ऑन रिटन एग्जाम मार्क्स बेसिस। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें इंटरव्यू आपका नहीं करवाया जाता, केवल आपका जो होता है रिटन एग्जाम होता है, 400 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, उसमें से जितने मार्क्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बेसिस पे आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स 2015 देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर यूपी पुलिस SI। तो 2015 के बाद नियमों में चेंज हुआ और इंटरव्यू को यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं UPSI की रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कीम की, जो इसका एग्जाम होता है वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम है वो गलती से यहाँ पे ऑफलाइन हो गया है, जो कि आपका ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 160 होती है, यानी चार पोर्शन होते हैं, हर एक में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स आपको दिए जाते हैं 400 और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैं आप सभी को बता दूँ 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। वाई लैंग्वेज यहाँ पे आपका पेपर आता है, तो अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। वहीं पे एग्जाम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे का आपका पेपर होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन ईच सब्जेक्ट और 50% टुगेदर इन ऑल सब्जेक्ट। तो मैं आप सभी को बता दूं, 2017 में इसमें एक अलग से क्राइटेरिया था, वो था कि ईच पर सब्जेक्ट आपको 50% लाना कंपलसरी था, यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में अगर 50% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। यानी ईच पर सब्जेक्ट भी आपको 50%, ओवरऑल भी 50% ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो कम से कम 50% का यहाँ पे पहले क्वालिफाइंग नेचर रखा गया था, लेकिन अभी उसे घटा के 35% कर दिया गया है। यानी आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% लाने हैं, लेकिन टोटल जो होने चाहिए कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इससे बिलो अगर आपके मार्क्स आते हैं, चाहे वैकेंसी खाली चली जाए, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे 40 होते हैं 100 मार्क्स के। अगला सब्जेक्ट होगा मैथ होगा, यानी न्यूमेरिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। अगला जो होगा लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज का होगा, जो कि आपके टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिक्स करके आते हैं 100 क्वेश्चन के, 100 मार्क्स के। और अगला जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड रीजनिंग, और ये आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 40 और मार्क्स आपके होंगे 100, यानी कुल मिला के टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 160 और मार्क्स आपके हो जाएंगे 400। 1/4 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मैं आप सभी को बता दूँ, पूरा यहाँ पे प्रोसीजर मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, 400 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप एप्लीकेशन जो फॉर्म भर पाएंगे ऑनलाइन भरेंगे, उसी के साथ आप इसे इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वगैरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ़ीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा, ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बहुत जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जानकारी अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि मार्च तक के लिए ही वैकेंसी को टाला गया है। जैसे ही पूरी जानकारी अपलोड होगी आप सभी को बता दी जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले पहुँच सके। आप सभी को यहाँ पर लास्ट ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर, सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएंगी, रेगुलर आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।